हेलो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में किसी भी दो कॉलम्स के डेटा को बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से थर्ड कॉलम में कैसे कंबाइंड या मर्ज करते हैं तो हम एक्सेल में ज़्यादातर दो कॉलम्स के डेटा को मर्ज करने के लिए कंक्रीट नेट फंक्शन का यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा बिना किसी फॉर्मूला या फंक्शन की हेल्प से आपको इन दोनों कॉलम्स के डेटा को एक सिंगल कॉलम में कंबाइन करना है या मर्ज करना है तो आपको क्या करना है इसे डेटा सेट में कहीं पर भी, भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डेटा टाइप में आपको जाना है डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा फ्रॉम टेबल फ्रॉम टेबल पे आपको क्लिक करना है तो एक जो ये आपकी डेटा सेट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा उसको ओके okay प्रेस कर दीजिए तो जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पावर क्वेरी का एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस पावर क्वेरी की हेल्प से हम मल्टीपल कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में कंबाइन कर सकते हैं तो फिलहाल हम यहाँ पे दो कॉलम्स के डेटा को एक थर्ड कॉलम में कम्बाइंड करेंगे तो देखिए दोनों कॉलम्स का डेटा जो मेरे पास था वहाँ पर एक्सेल में यहाँ पर दोनों यहाँ पर आ गए अब मुझे क्या करना है कंट्रोल की के साथ इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है पहले एक पे क्लिक करूंगा फिर कंट्रोल प्रेस करूंगा और दूसरे कॉलम के डेटा पे क्लिक करूंगा तो दोनों कॉलम देखिए मेरे सेलेक्ट हो गए अब मुझे क्या करना है यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म टैब आपको शो हो रहा होगा इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको मर्ज कॉलम का एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है तो देखिए एक छोटा सा पॉपअप यहाँ पे ओपन हो गया मर्ज कॉलम का यहाँ पे देखिए इसमें दो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है सेपरेटर सेपरेटर का मतलब जब दो कॉलम्स के डेटा को आप सिंगल करेंगे एक सिंगल कॉलम में एक कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे सेपरेटर क्या होना चाहिए आपसे ये पूछा जा रहा है तो कॉलन कॉमा या इक्वल साइन किस तरह का सेपरेटर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्पेस चाहते हैं तो स्पेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेकेंड ऑप्शन है कि उसका नाम क्या होगा कॉलम का अगर आप कॉलम का नाम यहाँ पर नहीं देंगे तो मर्ज करके ये नाम ले लेगा बट अगर आपको ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पे इस नाम को मैं फुल नेम करके या फुल नेम करके टाइप कर दूंगा तो जो मेरा डेटा है ये फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम ये फुल नेम करके थर्ड कॉलम में मर्ज हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसको ओके प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पे सिंगल कॉलम में मर्ज हो गया अब मुझे इस डेटा को एक्सेल में लोड करना है तो एक्सेल में लोड करने के लिए मैं क्या करूँगा होम टैब में यहाँ पर क्लिक कीजिए पावर क्वेरी विंडो में होम टैब भी क्लिक करना है और यहाँ पर लोड टू के ऑप्शन पे देखिए ड्रॉप डाउन छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है और यहाँ पे देखिए आपको क्लोज एंड लोड टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक बताता है कि आपको कौन से लोकेशन पे इस डेटा को लोड करना है तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैंने थर्ड कॉलम सेलेक्ट कर दिया है कॉलम सी और इसको ओके okay प्रेस कर दीजिए ओके okay प्रेस करेंगे विंडो पर आपको लोड करना है लोड बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो इन दोनों का जो फर्स्ट और लास्ट नेम था वो यहाँ पे मर्ज हो गया बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से एक सिंपल क्लिक हमने किए और फुल नेम करके एक नया कॉलम बन गया जहाँ पे हमारे दोनों फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का डेटा कंबाइंड हो गया तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स को या दो से ज़्यादा कॉलम्स को भी सिंगल कॉलम में मर्ज कर सकते हैं तो एक छोटा सा वीडियो था आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग